शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान का फिल्मी पर्दे पर डेब्यू होने वाला है, लेकिन आर्यन खान इस फिल्म में दिखाई नहीं देंगे, केवल सुनाई देंगे। मतलब वो इस फिल्म के लीड कैरेक्टर के लिए आवाज देंगे। जी हाँ, शाहरुख खान और उनके बेटे आर्यन खान दोनों एक साथ एनिमेशन फिल्म द लॉयन किंग में काम करने जा रहे हैं। जंगल बुक को नए अवतार में पेश करने के बाद डिज्नी अब एक और सुपरहिट फिल्म द लॉयन किंग का नया संस्करण लेकर आ रही है। इस फिल्म की कहानी है जंगल के राजा मुफासा और उनके बेटे सिम्बा की। द लॉयन किंग के हिंदी संस्करण में मुफासा को शाहरुख खान आवाज देंगे और मुफासा के बेटे सिम्बा को आर्यन खान ने अपनी आवाज दी है। हाल ही में शाहरुख ने अपने ट्विटर पर एक फोटो भी शेयर की थी। इस तस्वीर में शाहरुख खान और आर्यन दोनों ही टी शर्ट पहने नजर आ रहे थे। शाहरुख की टी शर्ट पर मुफासा और आर्यन की टी शर्ट पर सिम्बा लिखा हुआ था। इस तस्वीर को शेयर करते हुए किंग खान ने लिखा था, फादर्स डे की भावना के साथ मैच के लिए तैयार। लेकिन अब साफ हो गया है कि इस फोटो से शाहरुख आर्यन के डेब्यू का हिंट भी फैंस को देना चाहते थे। देखना होगा कि आर्यन की आवाज फैंस के ऊपर कितना असर करती है। द लॉयन किंग 1994 के क्लासिक का एक फोटो रियलिस्टिक CGI रीमेक है। द लॉयन बुक फिल्म को द जंगल बुक और आयरन मैन के डायरेक्टर जॉन फेवरो ने डायरेक्ट किया है। यह फिल्म 19 जुलाई को अंग्रेजी, हिंदी, तमिल और तेलुगु में रिलीज होगी।